मैंने देखा है कि एक बारी आए तो भीड़ और दूसरी बारी आए और जब तीसरी बारी और चौथी बारी आए तो वो भीड़ दुगनी चौगनी होने का काम करती है। ये तो पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्री ईश्वर सिंह फलाका जी और मेरे इनसो संगठन में बहुत ही जुझारू कर्मठ चौधरी देवीलाल अमर रहे, सभी साथी दोनों हाथ उठाकर जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती। मैं गलत तो नहीं कह रहा, एजुकेशन तो आप 90 साल की उम्र में भी करना चाहो तो कर सकते हो, साथ कर रहे हैं, चौटाला साहब कर भी रहे, मगर खट्टर साहब ने कहा कि 2 साल अगर एजुकेशन छोड़ दोगे तो आप दोबारा दाखिला नहीं ले सकते। दुष्यंत चौटाला जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाबा साहब के सपने को नहीं टूटने देंगे, अंबेडकर जी के सपने को नहीं टूटने देंगे। वो जाकर के एचआरडी मिनिस्टर से मिले, हरियाणा की सरकार को पत्र लिखा और तब जाकर के इस खट्टर की खटारा सरकार को कल अपना फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा। मैं आपको बधाई देता हूं। आज वो सभी लोग जो ये सोच रहे थे पिछले कुछ समय से कि भाई अब पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं, अगर मैं भी चाहता, क्योंकि मेरी पढ़ाई खत्म हुए 3 साल हो गए, तो मैं भी दाखिला नहीं ले सकता था। आज दुष्यंत जी ने आप लोगों के सहयोग के साथ वो कर दिखाया जिससे वो सभी लोग जो एम्बिशियस हैं पढ़ाई करने के लिए वो आपका सदैव कृतज्ञ रहेंगे, आप लोगों का धन्यवाद ही रहेंगे। मैं इसके लिए भी आपको साथियों एक और चैलेंज है और उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़नी है। हम देहात में बसने वाले लोग हैं, मुझे इस भीड़ में चेहरे देख करके कह सकता हूं कि 90% लोग गांव के लोग हैं। साथियों इस सरकार ने एक फरमान सुनाया कि जो 5 नंबर देहात के ज्यादा मिला करते दाखिले के समय पर मिला करते थे कि नहीं, वो इस सरकार ने काट दिए। जो एनसीसी और एनएसएस के नंबर एक्स्ट्रा मिला करते वो इस सरकार ने काट दिए। अब हमारी अगली लड़ाई इस बात की है कि इस सरकार को खट्टर को झुकाना और गांव देहात के जो नौजवान हमारे भाई और हमारी बहनें हैं जो उनके, क्योंकि गांव का आदमी पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल और संघर्ष करता, वो शहर के आदमी से कंपटीशन नहीं कर सकता, हमने उस लड़ाई पे भी पार पड़ा है और गांव के आदमी को उसका सम्मान मिले ये हमने इंश्योर करना है। दिल्ली आप जाओगे, इन कच्छेधारियों ने आपके लिए एक और फरमान सुनाया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाओगे तब इन आरएसएस के लोगों ने एक फरमान सुना दिया और ये सिर्फ हरियाणा के लिए है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते हो तो सीबीएसई की मार्कशीट जरूरी है। अगर हरियाणा बोर्ड के कागज लेके जाओगे तो आपको 10 नंबर कम मिलेंगे। हमने एचआरडी मिनिस्टर से कहा है कि क्या हरियाणा प्रदेश पूरे देश से 10 नंबर कम है क्या? क्या हरियाणा का नौजवान किसी से कम है? इसलिए साथियों अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। अगर चाहते हो कि गोपाल कांडा जैसे लोग इस देश पर राज करें, हरियाणा में 5 साल होम मिनिस्टर बन करके रहें, पैसे वाला इस देश पर राज करें, टाटा बिरला अंबानी और अदानी इस देश पर राज करें, तो घर बैठ जाओ। और शरीर में अगर गर्म खून है और व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो तो 5 तारीख सोनीपत, हमने इसीलिए इस आंदोलन का नाम, उस दिन का नाम कहा है कि छात्र प्रजातंत्र संघर्ष दिवस,
अगर 5 तारीख को कड़ा संदेश खट्टर की खटारा सरकार को नहीं दे पाए और 5 तारीख को यह चुनाव चालू नहीं करवा पाए तो फिर हमारा राजनीति में होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए तैयार हो जाओ मेरे नौजवान साथियों, और जिस संख्या में आज आए हो इससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा संख्या के अंदर मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि सोनीपत पहुंचकर एक बड़ा संदेश देने का काम करो। और मैं आज मीडिया के सामने कहता हूं कि यहां तक नहीं, अगर ये सरकार 5 को नहीं मानेगी तो चाहे हमें स्वयं भूख हड़ताल पर इन यूनिवर्सिटीज के गेट पे ताला लगा करके बैठना पड़े, जब तक छात्र संघ चुनाव हरियाणा में बहाल नहीं होंगे हम शांति से नहीं बैठेंगे। आप इस बात में साथ हो कि नहीं?